जिले में लोक अदालत का हुआ आयोजन, 1198 प्रकरणों का हुआ निस्तारण। खबर राजस्थान की पाली से है, जहां जिले में लोक अदालत का आयोजन। पाली के वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र विधिक सेवा प्राधिकरण पाली में आयोजित किया गया। लोक अदालत से दूर दराज से आए फरियादियों का विवाद संबंधित मामला का निस्तारण किया गया। इसमें जिले में न्याय शेषन न्यायाधीश MR सुथार के निर्देशन में पाली न्याय क्षेत्र के पोस्ट लिटिगेशन प्री लिटिगेशन के 6977 प्रकरणों को रखा गया। इसमें से 1198 प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा करवाया गया। आज 10 जुलाई 2021 को माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2021 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवादों से संबंधित प्रकरण, लैंड एक्विजिशन से संबंधित मामले एवं अन्य ऐसे मामले जिनका राजीनामा के माध्यम से निस्तारण हो सकता है, उन मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा चिन्हित करके लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। पाली न्याय क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु कुल 22 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें से 7 बेंचें पाली जिला मुख्यालय पर और 15 बेंच आउटलाइन कोर्टों में बनाई गई है। पाली न्याय क्षेत्र में कुल 6387 प्रकरण चिन्हित किए हैं जो राजीनामा योग्य हैं, और उन प्रकरणों में राजीनामा कराए जाने के प्रयास हेतु पक्षकारान को नोटिस भेजकर और समाचार पत्रों के माध्यम से भी न्यूज़ प्रकाशित करवा के अवगत कराया गया है। उसके अलावा पक्षकारान के वकील साहवान को भी सूचित किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत में ऐसे मामले जो राजीनामा योग्य है उनका निस्तारण करवाएं। इस संदर्भ में अभी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, और जो न्यायालय में मामले लंबित है उसके अलावा प्री लिटिगेशन केसेज, जो बैंक रिकवरी के केसेज हैं, ऐसे भी करीब 1168 मुकदमे जो है रखे गए हैं जिनका निस्तारण किया जाना है।